अब निफ्टी अपने फिफ्थ वेव में एंटर कर चुकी है। अब देखना यह है कि ये जो फिफ्थ वेव है ये कितनी लंबी हो सकती है, इसका टारगेट क्या है। अब उसके बाद फिफ्थ वेव बनने के बाद अगर मार्केट अपनी करेक्शन में आती है तो कितनी करेक्शन करेगी, किस लेवल तक वो करेक्शन कर सकती है ताकि आप दोबारा इसके अंदर एंट्री कर सको। क्योंकि फिफ्थ वेव है, जैसा आप जानते हैं फिफ्थ वेव में हमारे को ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करना, क्योंकि कभी भी मार्केट जो है अपनी कहीं ना कहीं करेक्शन के अंदर एंटर कर जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं, इन डेप्थ में जाकर के मार्किंग करने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पर हमारे को किस तरीके का मोमेंटम दिख रहा है और आपको आने वाले हफ्ते के अंदर भी, नेक्स्ट वीक के अंदर भी आपको किस तरीके का यहां पर मोमेंटम दिख सकता है। और जैसे कि हम लास्ट वीडियो में बात करते आए हैं और आप देखेंगे कि इवन की बॉटम से ही मैं आपको बताता हूं कि मार्केट हमारी बिल्कुल अपसाइड की तरफ है, कोई भी इसके अंदर आपको डाउनसाइड का मोमेंटम नहीं मिलेगा। इवन की लास्ट वीडियो में मैंने कहा था और यहां पे हमारे को अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है क्योंकि हमारी अभी एक बैलेंस है लेग, तो वो हम कर रहे हैं। और अब यहां पर हम बात करेंगे कि यहां पे अब क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे को बहुत से सब्सक्राइबर्स का मेरे को मेल्स आई हैं जिनमें उन्होंने चार्ट डिस्कस किए हैं, तो मैं ये समझता हूं उसमें से 90% चार्ट जो थे वो कहीं ना कहीं बेरिश चार्ट थे। इवन कि वो अभी भी इतनी ऊपर आने के बाद भी उनकी जो लेवलिंग थी, जो उनकी मार्किंग थी, वो भी डाउन साइड की थी। तो उन सबको मैंने गाइड किया कहीं ना कहीं हम अभी भी डाउन साइड की पोजिशन में नहीं है। तो आपने देखा कि हमारे को जो है ये जो कल के दिन में हमारे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रन देखने को मिला है, इवन कि ये जो पूरी मोमेंटम है उसके भी ऊपर ये आ चुका है। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसके इंटरनल यहाँ पे बिहेवियर्स क्या बन रहे हैं, अब आपको किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेने हैं। अब यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट अगर लगाऊंगा तो वहाँ पे कैंडल्स बहुत सारी हो जाएंगी, वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, तो आपको कम से कम एक घंटे के चार्ट के ऊपर देखना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ हमारा फर्स्ट वेव है, देन हमारी यहाँ पे सेकंड वेव है, और एक बार मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि इसकी डिग्री हायर डिग्री है। अब एक मैं स्मॉल डिग्री का मैं दोबारा से ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, तो इसको मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ उसकी। ये मेरी वन है, देन ये मेरी टू है, अगेन 1 2 3 4 5 ये मेरी थ्री है, देन ये फोर है, देन अगेन यहाँ पे मेरी फाइव है। इसकी मैं जो लेवलिंग है वो मैं डिग्री छोटी कर देता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद ये मेरी थर्ड वेव हो गई, ठीक है, और अगेन मेरी यहाँ पे ये फोर्थ वेव होगी, जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। और फिफ्थ के लिए हम ऊपर जा रहे हैं और फिफ्थ के लिए हम देख रहे हैं, उसके बाद भी अगर जो हमारी क्लास में जो हमारे से जुड़े हुए हैं हम उनको रेगुलर अपडेट करता है, और कहीं ना कहीं मेरी OBS जो है यहाँ पर जिसके थ्रू मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ उसके अंदर अपडेट आया था, कोई न्यू वर्जन था उसके अंदर, तो जैसे मैंने वो उसको अपडेट किया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ग्राफिक कार्ड मांगना स्टार्ट कर दिया उसने, तो उसके चक्कर में वीडियो मैं नहीं बना पाया लास्ट वीक आपके लिए, तो वो मैंने ग्राफिक कार्ड वगैरह से उसके अंदर डलवा लिया, अपडेट करवा लिया उसको मैंने, अब ये मेरा रिकॉर्ड हो पा रहा है। तो उसके बाद भी यहाँ पे देख रहे हैं अंदर मेरे को 1 2 देन थर्ड वेव देन फोर्थ वेव में करती हुई ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे हमारी ये थर्ड वेव बन चुकी है, देन हमारी यहाँ पे फोर्थ वेव है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे को एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, और हमारे को उसी के साथ साथ हमारे को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को भी मिला। तो ये ट्रायंगल मैं नहीं समझता किसी ने आपके साथ बताया होगा, बट यहाँ पर हमारे को थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव के अंदर यहाँ पे हमारे को एक्सपेंडिंग ट्रायंगल मिला, और अब ये फिफ्थ वेव के अंदर हम जा रहे हैं। फिफ्थ वेव के अंदर भी हमारा जो है वन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हमारी सेकंड वेव भी खत्म हो चुकी है, थर्ड वेव में हम चल रहे हैं, देन फोर्थ देन फिफ्थ के एक हमारे को यहाँ पे लेग यहाँ पे मिल सकती है। तो ये सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी, और आप देख रहे हैं कि उसी के साथ साथ मार्केट ने यहाँ पर, और जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी कहीं ना कहीं इस पोजीशन पर सारे के सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके मेल्स आ रही थी, या जो अगर आप देखते किसी को, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर बेरिश थे, बट कहीं ना कहीं सिर्फ अकेली मेरी वीडियो थी जहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी। यहाँ पर हमारे को एक एक्सपेंडेड ट्रायंगल मिल रहा है और उसका मोमेंटम आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा हमारे को यहाँ पर देखने को मिला। अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो हमारा ये सेकंड के नीचे स्टॉप लॉस रहने वाला है, जब फोर्थ बन जाएगा उसके बाद फिफ्थ बनेगा तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो फोर्थ के नीचे चला जाएगा, पहली बात। अब ये वाला हमारा स्टॉप लॉस है और उसके बाद हम चल रहे हैं, तो ये वाला अकाउंट हमारा है प्रेफर अकाउंट, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बात करी थी, और कहीं ना कहीं हमने इसके साथ आपकी मार्किंग करके बताई और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब बात कर रहे थे बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में हमारे को यहाँ पर एक टर्मिनल इम्पल्स की रिक्वायरमेंट थी, जो टर्मिनल इम्पल्स हमारे को यहाँ पर नहीं बनी, क्योंकि अगर टर्मिनल्स हमारी यहाँ पे पल्स बनी होती तो वो जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारा हिट नहीं करता। अगर ये हमारी टर्मिनल इम्पल्स होती, जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये अगर हमारा फर्स्ट है देन ये सेकंड है जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, ये थर्ड है देन ये फोर्थ है, और अगेन हमारे को फिफ्थ वेव में जाना है। फिफ्थ वेव में जाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये फोर्थ वेव को यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगी, है ना, बट यहाँ पे इसने क्या किया, फोर्थ वेव को ब्रेक नहीं करेगी, और एक्चुअल में इसने फोर्थ वेव को इसने ब्रेक कर दिया।
अब बात आती है क्या ये फोर्थ वेव में हमारा ए बी सी डी ई का पैटर्न बन सकता है। टर्मिनल इम्पल्स में आपको कभी भी ट्रायंगल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक सेकंड अल्टरनेट काउंट जो अगर आप मानते हैं उसको, तो जैसे हमने यहाँ पर बात हुई थी, खैर मैंने तो नहीं बोला था बट मेरे एक सब्सक्राइबर का आया था, जैसे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अगर ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हो तो मैंने उनके साथ यही डिस्कस किया था कि ये जो गिरावट है मार्को यहाँ पे तेज देखने को मिलती है। अगर हमारा 1 2 3 4 5 खत्म हो चुका है तो वहाँ पर हमारी टर्मिनल इंपल्स खत्म होगी, और जब टर्मिनल इंपल्स खत्म हो गई या एंडिंग डायगोनल बन चुका है उसके बाद तो गिरावट हमारे को यहाँ पे तेज चाहिए, बट यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज में काम कर रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो अभी भी समझिए कि कहीं ना कहीं हमारा जो है वो अभी अपने आप में ये एक करेक्टिव पैटर्न में ये चल रहा है। तो 3 4 5 में इसमें मोमेंटम आ रहा है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्थ वेव के नीचे ये पैटर्न आ चुका है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्लियरली ये है कि यहाँ पर जो हमारा जो हम यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 मार्क कर रहे थे, चाहे टर्मिनल इंपल्स पर मार्क कर रहे थे या कुछ भी मार्क कर रहे थे, तो ये हमारी मार्किंग जो है ये कहीं ना कहीं गलत है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूव होता क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये फोर्थ का स्टॉप लॉस जो था, जो ये वाला लेवल था, ये हिट हो गया। ये लेट नहीं होना चाहिए था एक्चुअल में, बट अगर हिट हो गया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारे को क्या हमारी ऑप्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको 1 आवर के चार्ट पे ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे ये, तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर इसको भी देख लेते हैं, जैसे हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में भी, 1 देन 2 देन अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमारा थर्ड हो गया, देन ये फोर्थ, अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 में ये हमारी मूव आई ऊपर। तो ये हमारा 5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट यहीं से मार्केट अपने आप में कहीं ना कहीं करेक्शन कर रही है। अब जो ये करेक्शन भी कर रही है ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक और कहीं ना कहीं इस टाइप के बिहेवियर को हम बोलते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करेक्शन, है ना। तो यहाँ पर हमारे को ये ए बी सी के फॉर्म में हमारे को यहाँ पे आप यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ए देन बी देन सी के फॉर्म में ये मार्केट नीचे आई है, जिसको मैं यहाँ पे डब्ल्यू से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे मार्केट जो है वो 3 सबॉर्डिनेट में गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो टर्मिनल इंपल्स बनाती गाइस तो यहाँ पर हमारा वो इस 4 के नीचे इसको अलाउड नहीं था। तो ये जो 3 सबॉर्डिनेट में ऊपर गई है ये हमारा जो हो गया ये एक्स वेव हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे को एक ट्रायंगल फॉर्म होते मिला, जो हमारे को वाई वेव में पॉसिबिलिटी है हायर वो मिल सकता है, ए देन बी देन सी देन डी देन ई। तो ये हमारी वाई वेव हो जाएगी, और इसके साथ साथ हमारी यहाँ पे करेक्शन जो है ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये करेक्शन ख़त्म होती है गाइस तो इसके अंदर भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करने का नहीं है कि हमारे को यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिनेरियो के लिए हमारा जो प्लान है वो यही है, जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं आती तब तक हम इस सिनेरियो को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी के अकॉर्डिंगली अगर इसको मार्किंग करते तो इसी से ही ये सेटअप बेटर है। अगर मैं यहाँ पर टर्मिनल इंपल्स मार्क करता हूँ या कुछ भी मार्क करता हूँ तो वो रूल हमारे सारे के सारे रूल ब्रेक हो रहे हैं। तो ये हमारा एक परफेक्ट रूल है जो यहाँ पर अप्लाई हो पा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसका स्टॉप लॉस लगा के अपना ट्रेड करेंगे, और अगर इवन कि यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है उसके बाद मार्केट नीचे आती है तो फिर देखेंगे यहाँ पर कौन सा सेटअप बन रहा है। बट फिलहाल अभी तक जो मार्केट के अंदर सेटअप बने हैं, जो इसके अंदर मोमेंटम आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्लियर कट है कि यहाँ पर हमारे को एक डब्ल्यू एक्स वाई का एक पैटर्न बन रहा है, और वाई के अंदर हमारे को एक ट्रायंगल अलाउड है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको वाई का या जो आपको जो लोकेशंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस लेवल की जो आप मार्किंग है कहीं ना कहीं आप वो करने में आपकी जो हो अपना जो आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं वो आपके रहेंगे। साथ ही साथ में 1 जून से हमारा जो EWI बुलेटिन है वो स्टार्ट होने वाला है, बट कहीं ना कहीं मंडे से मैं उसका इंट्रोडक्शन वगैरह देना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि जो लोग अभी तक मेरे से जुड़े हुए हैं उनके मेरे को मेल्स आ रही हैं, साथ साथ वो चैट भी कर रहे हैं कि हमारा जो स्टार्टअप करिए अब हमसे नहीं रुका जा रहा। और कहीं ना कहीं मेरे को भी यहाँ पे मार्केट के अंदर मोमेंटम दिख रहा है, बहुत ही तेज़ी दिख रही है। जैसे मैंने आपके पीडीलाइट भी मैंने यूट्यूब पर डिस्कस किया था, आप देखें पीडीलाइट के अंदर कितना ज़बरदस्त हमारे को यहाँ पे कल यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर मोमेंटम आ रहा है और कहीं ना कहीं हम उसको डिले कर रहे हैं, तो वो मैं अब नहीं करूँगा। मंडे से कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शंस के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं स्टार्टअप करना शुरू कर दूंगा। तो जो लोग अभी तक आ चुके हैं उनके लिए जो 3-4 दिन भी रहेंगे वो उनके लिए बोनस हो जाएगा। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो तेज़ी है उसको आप मिस ना करें। अगर यहाँ पे हमारे को गिरावट भी मिलती है, हमारा अगर डिसीजन चेंज भी होता, हमारे यहाँ पे कोई लेबलिंग चेंज होती, क्योंकि अपने आप कहीं ना कहीं हम हाई में है, है ना, हाई सेटअप पे है, तो अगर यहाँ से कोई मोमेंटम चेंज होता तो हम सबसे पहले वहाँ पर उस चीज़ का बेनिफिट करने के लिए वहाँ पर रेडी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करना मत भूलें। कोई डाउट हो कोई क्वारी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और पसंद आया लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आने वाले दिनों में जो भी आपको अपडेट दूँ आपको सबसे पहले मिल सके। और कल वीडियो आने वाले रूल ऑफ अल्टरनेटेशन के ऊपर जबरदस्त वीडियो आने वाली है, और आपसे मैं वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, उस टाइप की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी।
मतलब YouTube आप पहले पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद जो मैं कल आपको रूल ऑफ ऑल्टरनेशन की वीडियो देने वाला हूँ, माइंड ब्लोइंग गजब वीडियो होने वाली है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।